नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित वर्मा है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज का टॉपिक है ये आपका शुद्ध जल का अणुभार 18 और भारी जल का अणुभार आपका 20 है। अगला पॉइंट है कि किस ताप पर जल का आयतन न्यूनतम मतलब मिनिमम वॉल्यूम और घनत्व अधिकतम मतलब मैक्सिमम डेंसिटी होती है, मतलब किस ताप पर, तो मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर आपकी आयतन जो होता है न्यूनतम होता है और आपका घनत्व मैक्सिमम होता है। अगला पॉइंट है कि भारी जल का सूत्र क्या है, तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, भारी जल का सूत्र होता है D2O। अगला पॉइंट है भारी जल का किसका मिश्रण होता है, तो भारी जल आपका ड्यूटेरियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। अगला पॉइंट है कि शुद्ध जल किसका मिश्रण होता है, तो शुद्ध जल आपका होता है आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण होता है शुद्ध जल। अगला पॉइंट है आपका कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या है, तो मतलब 1:8 के अनुपात में आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान का अनुपात है जल में। अगला पॉइंट है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का आणविक अनुपात क्या है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का आणविक अनुपात क्या है, तो वह 2:3 के अनुपात में है आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का आणविक अनुपात, वो आपका द्रव्यमान था, ये आपका आणविक अनुपात है। अगला पॉइंट है जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक आपका 1.33 होता है। अगला पॉइंट है आपका जल का क्वथनांक क्या है, तो जल का क्वथनांक अलग अलग पैमाने पर अलग अलग होता है, तो अगर सेल्सियस में देखा जाए तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट होता है और केल्विन पैमाने पर आपका 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। अगला पॉइंट है आपका कि जल का हिमांक द्रव्यमान द्रव्यनांक क्या होता है, हिमांक क्या द्रव्यनांक क्या होता है, ये भी आपका अलग अलग पैमाने पर अलग अलग होता है, आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है और फारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री फारेनहाइट होता है और केल्विन में होता है आपका 373 केल्विन। अगला पॉइंट है आपका अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, अम्लीय वर्षा का कारण आपका SO2NO2 है आपका अम्लीय वर्षा का कारण। अगला पॉइंट है कि जल की मात्रा पृथ्वी पर कितनी है, तो जल की मात्रा पृथ्वी पर आपका 71% है आपका जल की मात्रा। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर मीठे पानी या पीने के पानी का कितना प्रतिशत है, तो मतलब 71% टोटल है जल की मात्रा और जिसमें से पीने का पानी या मीठे पानी का जो प्रतिशत है वो आपका 2.4% से लेकर आपका 3% तक आपका मीठे पानी या पीने के पानी का है आपका पृथ्वी पर। अगला पॉइंट कि मृदु जल की पहचान कैसे होती है, तो मृदु जल की पहचान कैसे होती है मैं बता दूँ आपको, वह जल जिसमें साबुन के झाग बनते हैं वह आपका मृदु जल होता है जिसमें साबुन के झाग बन जाते हैं। अगला पॉइंट है कि कठोर जल क्या है, तो कठोर जल वह है कि जिसमें साबुन के झाग नहीं बनते वह आपका कठोर जल कहलाता है। अगला पॉइंट है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण आपका कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के वाई कार्बोनेट घुले होने के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है। अगला पॉइंट है कि जल में स्थायी कठोरता अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है, तो जल में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आपका सोडियम कार्बोनेट या पानी को गर्म करके या बुझा हुआ चूना डालकर आपका जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है आपका कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले होने के कारण अस्थायी कठोरता होती है आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम के वाई कार्बोनेट घुले होने के कारण और स्थायी कठोरता आपकी सल्फेट घुले होने के कारण। तो अगला पॉइंट है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर किस विधि से किया जाता है, तो मैं बता दूँ आपकी एक तो कॉमन विधि है आपकी सोडियम कार्बोनेट अस्थायी और स्थायी दोनों के लिए आपकी, ठीक है, और इसमें एक दो विधियाँ अलग से हैं कि जीलो लाइट विधि द्वारा और परम्यूट विधि द्वारा आपकी स्थायी कठोरता दूर की जाती है। अगला पॉइंट है जब जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तब क्या होता है, तो मैं बता दूँ जब जहाज़ नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तब आपका पहले तो वो नीचे जाता है फिर ऊपर उठ जाता है, और इसका ही रिवर्स होता है कि जब जहाज़ समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब क्या होता है, तो आपका पहले तो वो ऊपर जाएगा फिर आपका नीचे चला जाएगा, ऐसे ही इसका मतलब कि जहाज़ जब नदी समुद्र में जाता है तब आपका वो पहले ऊपर जाता है सॉरी पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, और जब जहाज़ समुद्र से नदी में जाता है तब आपका पहले ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो समुद्र का जल होता है उसका मतलब कि घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है इसलिए ऐसा होता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना।